कर सकते हैं। डेटाबेस हम क्या कर सकते हैं, कुछ डेटा इंसर्ट कर सकते हैं, कुछ डेटा डिलीट कर सकते हैं, कुछ डेटा अपडेट कर सकते हैं, ठीक है, या हम कुछ क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट इज एन इजी टू वर्क देन इन डेटाबेस। डेटाबेस में हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो क्या करेगा, एक ट्रांजेक्शन कहलाएगा, ठीक है। और इट इज एन यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन इन डेटाबेस विच एक्सेसेस और पॉसिबली अपडेट्स वेरियस डेटा आइटम्स इन डेटाबेस। सो विच एक्सेसेस एंड पॉसिबली अपडेट्स, ठीक है। एक्सेसेस मींस हम क्या कर रहे हैं, हम सेलेक्ट क्वेरी लगा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डेटा हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, कहां से, डेटाबेस से, ठीक है। और अपडेट मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम या तो इंसर्ट कर रहे हैं, या तो हम डिलीट कर रहे हैं, या तो हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। ये तीन चीजें हमारी क्या आती है, अपडेट रहती है, ठीक है। मतलब हम डेटाबेस से कंटेंट या इंस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। अपडेट हम कैसे कर सकते हैं, अभी 4 रोज है, हम 5 रोज कर दें, 6 रोज कर दें, या हम क्या करें, 4 रोज से 3 रोज या 2 रोज मतलब 2 रोज डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम क्या कर सकते हैं, उनके कंटेंट चेंज कर सकते हैं, ठीक है। रोल नंबर की वैल्यू या नेम की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो अपडेट मतलब इंसर्ट, डिलीट और अपडेट, ये 3 ऑपरेशन होता है हमारा, ठीक है। और एक्सेस मतलब सेलेक्ट, ठीक है। सो इट इज एन यूनिट ऑफ वर्क डन इन डेटाबेस और इट इज ए यूनिट ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मींस अब ट्रांजेक्शन जो होता है, जो हम ट्रांजेक्शन करते हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं क्वेरी टूल्स, ठीक है। तो क्वेरी टूल्स में हम ट्रांजेक्शन कैसे करेंगे, हम लोग करेंगे सेलेक्ट, अपडेट, इंसर्ट, डिलीट या डिलीट फ्रॉम, जो भी हम क्वेरीज लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो क्वेरीज क्या हो गई, हमारी ट्रांजेक्शन कहलाएगी, ठीक है। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, ठीक है, तो एप्लीकेशन में क्या होगा, उस एसक्यूएल को हमें क्या करना पड़ेगा, एम्बेड करना पड़ेगा किसी होस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, ठीक है। तो उस एसक्यूएल को हमें क्या करना पड़ेगा, किसी होस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एम्बेड करना पड़ेगा। तो हमें अब जो हम क्या कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ठीक है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन मतलब जिस भी डेटा, जिस भी होस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमने उसको एम्बेड किया है, उसका जो प्रोग्राम होगा वो जब एग्जीक्यूट करेगा तो वो क्या होगा, ट्रांजेक्शन मेरा इनिशिएट होगा, ठीक है। तो उस ट्रांजेक्शन में हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस भी कर सकते हैं, हम चाहे तो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट भी परफॉर्म कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल्सो अ ट्रांजेक्शन, क्लियर। एंड थर्ड वन इज, इट इज एन सीरीज ऑफ डीएमएल कॉल्स। डीएमएल कॉल्स मैंने बता दिया, डीएमएल कॉल्स में यही निकालते हैं, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सेलेक्ट, मर्ज, ठीक है। फिर आ जाते हैं एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है। तो हम 2 ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल देखते हैं। पहला ट्रांजेक्शन जो है T1, सेकेंड ट्रांजेक्शन इज T2, ठीक है। T1 इज ए ट्रांजेक्शन विच रीड्स और विच ट्रांसफर्स 100 rupees फ्रॉम अकाउंट A टू अकाउंट B, ठीक है। 100 rupees फ्रॉम अकाउंट A टू अकाउंट B, क्लियर है। तो अब हम जो ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के ऊपर, ठीक है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ट्रांजेक्शन में 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म होंगे। पहला जो ऑपरेशन होगा वो होगा रीड ऑफ x, दूसरा ऑपरेशन होगा राइट ऑफ x, ठीक है। तो अब रीड ऑफ x क्या है, रीड ऑफ x मींस रीड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। रीड द वैल्यू ऑफ x, x मींस x इज द डेटा आइटम, सो x इज एन डेटा आइटम, ठीक है। रीड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम डेटाबेस टू लोकल बफर, ठीक है। अब लोकल बफर मींस जिस पर्टिकुलर मशीन से हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन हम जनरली कहाँ करते हैं, हम करते हैं एटीएम मशीन में। तो एटीएम मशीन में जो मशीन में हम कार्ड डालते हैं वो एक कंप्यूटर है, ठीक है। उस कंप्यूटर में हम क्या कर रहे हैं, अपना कार्ड डाल रहे हैं, अपना अकाउंट नंबर डाल रहे हैं, अपना पासवर्ड डाल रहे हैं, ठीक है। तो पासवर्ड डालने से क्या कर रहा है कि वो पर्टिकुलर मशीन का एक लोकल बफर होगा, ठीक है। तो वो क्या करता है, जैसे हम पिन कोड डाल रहे हैं तो हमारा क्या कर रहा है, अगर हम बैलेंस रीड कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेलेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं अपने अकाउंट को कि हमारे अकाउंट में कितना बैलेंस है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, रीड परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो रीड ऑपरेशन में क्या परफॉर्म करेगा कि रीड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम डेटाबेस। अब डेटाबेस कहां स्टोर्ड है हमारा, हमारा सर्वर में, बैंक के सर्वर में स्टोर है, ठीक है। उन बैंक के सर्वर से क्या करेगा, लोकल बफर मिलाएगा, ठीक है। लोकल बफर मींस जो मशीन में आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके रैम में क्या करेगा, उसको कॉपी करेगा, ठीक है। तो रीड कर रहा है मतलब डेटाबेस से लोकल बफर में आएगा, और जब राइट कर रहे हैं, राइट कर रहा है मतलब अब मैं लोकल बफर की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, डेटाबेस में डाल रहा हूँ।
ठीक है, सो इट राइट्स द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स मींस एक्स इज द डेटा आइटम फ्रॉम लोकल बफर टू डेटाबेस। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, कंसीडर वन ट्रांजैक्शन T1 व्हिच ट्रांसफर्ड 100 रुपीस फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। क्लियर है, 100 रुपीस फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। अब ये ट्रांजैक्शन को मैं कैसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूं, सबसे पहले क्या करूं, मैं रीड करूं ए की वैल्यू। ठीक है, अब सपोज करते हैं कि ए की वैल्यू क्या है, इनिशियली 1000 है, बी की वैल्यू इनिशियली क्या है 2000। ठीक है, ए की वैल्यू इनिशियली 1000, बी की वैल्यू इनिशियली 2000। तो ये क्या कर रहा है, रीड आउट ये परफॉर्म कर रहा है, मतलब मैं क्या कर रहा हूं, ए की वैल्यू को मैं बफर में ला रहा हूं, ये क्या करेगा 1000 रीड करेगा, फिर ये ए की वैल्यू क्या कर रहा है 1000 से 900 कर दे रहा है। ठीक है, 1000 माइनस 100 सो इट इज 900। फिर मैं क्या कर रहा हूं, राइट कर रहा हूं, तो राइट कर रहा हूं मतलब अब ये जो बफर में जो मैंने वैल्यूज चेंज की है इसको मैं क्या कर रहा हूं, फाइनली मैं राइट कर रहा हूं कि 900 अब क्या हो जाएगा, डेटाबेस में परसिस्ट हो जाएगा। क्लियर है, तो जब भी मैं रीड करूंगा डेटाबेस से वैल्यू रीड करेगा, जब भी मैं राइट करूंगा जो भी वैल्यू मेरे बफर में होगी उस बफर की वैल्यू क्या करेगा, डेटाबेस में राइट कर देगा। ठीक है, फिर मैं रीड कर रहा हूं किसकी वैल्यू, बी की, तो क्या रीड करेगा 2000, ये करेगा 2100 और ये 2100 क्या कर देगा, राइट कर देगा, क्या हो जाएगी वैल्यू मेरी 2100। क्लियर है, तो जब जब मैं रीड करूंगा ये क्या करेगा, डेटाबेस से वैल्यू लेगा और बफर में डालेगा, जब मैं राइट करूंगा बफर की वैल्यू क्या करेगा, डेटाबेस में राइट करेगा। क्लियर है, सो दिस इज अ ट्रांजैक्शन व्हिच ट्रांसफर्स 100 रुपीस फ्रॉम अकाउंट ए टू अकाउंट बी। एज अ सेकंड एग्जांपल कंसीडर अनदर ट्रांजैक्शन T2 व्हिच ट्रांसफर्स अकाउंट व्हिच ट्रांसफर्स 50 रुपीस फ्रॉम अकाउंट बी टू अकाउंट सी। क्लियर, 50 रुपीस फ्रॉम अकाउंट बी टू अकाउंट सी। अब ट्रांसफर करने के लिए मैं पहले क्या कर रहा हूं, बी को रीड कर रहा हूं, बी में से मैंने माइनस किया 50, फिर राइट ऑफ भी कर रहा हूं, फिर मैंने रीड किया सी को, फिर सी इक्वल टू सी माइनस 50 कर रहा हूं मैं, और फिर मैं राइट ऑफ सी लिख रहा हूं। क्लियर है, अब ये जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे थे ये जो ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ये ट्रांजेक्शन मेरा और किस तरह हो सकता है, मैं यहां लिखता हूं, पहले लिख सकता हूं रीड ऑफ बी, फिर मैं लिखता हूं बी इक्वल टू बी प्लस 100, फिर मैं लिखता हूं राइट ऑफ बी, फिर मैं लिखता हूं रीड ऑफ ए, ए इज इक्वल टू ए माइनस 100 राइट ऑफ ए। क्लियर है, दैट मींस या तो मैं पहले ए में से माइनस कर दूं फिर बी में प्लस करूं, या तो पहले मैं बी में प्लस कर दूं फिर ए में माइनस कर दूं। ठीक है, ये दो तरीका है, मैं जैसे ए से मैं बी में 100 रुपीस ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं मेरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में या तो मैं पहले क्या करूं बी में प्लस करूं फिर ए में माइनस करूं, या तो मैं पहले ए में माइनस करूं फिर बी में प्लस करूं। क्लियर, तो ये दो तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर, यहां तक किसी को डाउट? चलिए नेक्स्ट, दिस इज वेरी वेरी very 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 important acid properties of the transaction, there acid properties of the transaction. Ab acid property ka full form jo hai wo hai atomicity, consistency, isolation and what one is the durability. Atomicity, consistency, isolation, and then durability. ठीक है, atomicity property states that either all the operations of the transaction are carried out or none are.
either all the operations of the transactions are carried out or none are. That means either all the operation, all the operation means मैं अगर b से माइनस b से b में प्लस कर रहा हूं तो a में माइनस करूं, या तो यहां पर मैं पहले a में माइनस कर रहा हूं तो b में प्लस कर रहा हूं, ठीक है. either all the operations are carried out or none are, या तो एक भी नहीं होना चाहिए या तो पूरा होना चाहिए. that means मेरा जो ट्रांजैक्शन है वो एटॉमिक होना चाहिए. एटॉमिक होना चाहिए मतलब या तो पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाए या तो कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो. क्लियर है? या तो पूरी तरह एग्जीक्यूट हो जाए या तो फिर कुछ भी एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है. तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी. क्लियर है? सेकंड देखते हैं कंसिस्टेंसी. कंसिस्टेंसी मींस एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन इन आइसोलेशन, दैट इज no other transaction, no other transactions are executed concurrently, will ensure the consistency of the database. So consistency means execution of transactions in isolation. Isolation means executing one by one. ठीक है, that is no other transactions are executed concurrently. मतलब दो transactions एक साथ execute नहीं होना चाहिए. ठीक है, will ensure the consistency of the database. ठीक है, तो अब consistency requirement क्या होती है हमारे transaction में? Consistency requirement is a plus b before the transaction is equal to a plus b after the transaction. हमारा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. ठीक है, a plus b before the transaction and a plus b after the transaction में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए. तो अगेन हम यहाँ आते हैं, a की वैल्यू हमने अज्यूम की थी 1000, b की वैल्यू हमने अज्यूम की थी 2000. तो क्या कर रहा था? a की वैल्यू रीड कर रहा था, तो 1000 रीड कर रहा है. फिर a = a - 100 किया, तो क्या हो गया? 900 हो गया. जब मैं राइट कर रहा हूं तो a की वैल्यू क्या हो गई? 900. तो a की वैल्यू ये हो गया 900. फिर ये क्या कर रहा है? b की वैल्यू रीड कर रहा है, तो b की वैल्यू क्या रेट है? 2000. तो b की वैल्यू क्या कर रहा है? वो 100 ऐड कर रहा है, तो ये हो गया 2100. जब वो राइट कर रहा है तो 2100 मेरा क्या होगा? डेटाबेस में राइट हो जाएगा, ये हो जाएगा 2100. Now a plus b is 3000. Here also a plus b is 3000. Clear? That means अगर एक transaction execute होगा तो मेरा हमेशा consistency maintain रहेगी. ठीक है, अगर मैं यहाँ भी करूँ, अगर a की value 1000 है, b की value 2000, ये पहले 2000 read करेगा, फिर क्या करेगा? 2100 और 2100 क्या करेगा? Right में b की वैल्यू क्या हो गई? 100. फिर ये एक वैल्यू रीड कर रहा है, तो ये रीड करेगा 1000, ये करेगा 900, ये फिर 900 क्या कर रहा है? राइट में. तो a की वैल्यू क्या हो गई भाई? 900. सो वैल्यू ऑफ a plus b इज 10, 3000. वैल्यू ऑफ a plus b बिफोर द ट्रांजैक्शन इज आल्सो 3000. क्लियर है? क्लियर है? तो ये क्या हो गया आपका? a plus b बिफोर द ट्रांजैक्शन, a plus b आफ्टर द ट्रांजैक्शन. तो ये दोनों शेड्यूल जो मेरे यहां क्या है? कंसिस्टेंट. दोनों ट्रांजैक्शन मेरे क्या है? कंसिस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि मैं एक एक करके एग्जीक्यूट कर रहा हूं. ठीक है, अगर कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट हो रहा हो तो हो सकता है कंसिस्टेंसी मुझे मिले, हो सकता है कंसिस्टेंसी मुझे ना भी मिले. क्लियर? मिटाओ इसको. मैं किसी को लिखना है? किसी को डाउट है यहां पर? नो सर. तुमने फोटो क्यों डाल दिया है?
फिर नेक्स्ट देखते हैं आइसोलेशन। ठीक है, आइसोलेशन प्रॉपर्टी होता है कि इवन दो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स आर एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली, इवन दो मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स आर एग्जीक्यूटेड कॉन्करेंटली द सिस्टम इंश्योर्स दैट फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन्स और एवरी पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन्स PI एंड PJ it happens to PI that PJ finishes execution before PI starts or PJ starts execution before or PJ starts execution after PJ finishes. So this is the isolation property. Isolation. ठीक है, आप कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट क्या बोल रहा था? कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट बोल रहा था कि एक एक करके आप क्या करें, ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट करें। क्लियर है? आप क्या करें, एक एक ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करें। ठीक है, तो आप सपोज करो मेरे पास दो ट्रांजेक्शन है, एक ट्रांजेक्शन है T1, एक ट्रांजेक्शन है T2। ठीक है, कंसिस्टेंसी बोलता है कि आप एक एक करके एग्जीक्यूट करो तो आपका कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन रहेगा। आप पहले T1 एग्जीक्यूट करो फिर T2 एग्जीक्यूट करो, या तो पहले T2 एग्जीक्यूट करो फिर T1 एग्जीक्यूट करो। ठीक है, तो मेरी क्या रहेगी, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहेगी। ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हमें हर बार सीरियल एग्जीक्यूशन अगर हमें करना पड़े तो मुझे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं बैंक में एक ही ATM मशीन दूं, ठीक है, मतलब SBI का अगर एक ही ATM मशीन है तो मैं सपोज करता हूं कि वो राजधानी में होगा, दिल्ली में होगा। ठीक है, दिल्ली में एक ही ATM मशीन है, जिसको पैसा निकालना है टिकट बुक कराए कहाँ की, राजधानी की, वहां जाए, वहां जाके वो क्या करे, पैसा निकाले। ठीक है, तो जब मुझे अगर पैसा निकालना हो SBI ATM से तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले दिल्ली जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे इंडिया में एक ही मशीन है, क्योंकि मुझे एक एक करके एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो एक एक करके एग्जीक्यूट कराना है तो मेरे को एक ही ATM मशीन रखनी पड़ेगी। तो एक ही ATM मशीन है तो मैं दिल्ली जाऊंगा, दिल्ली जाने के बाद मैं क्या करूंगा, देखूंगा कि वहां लाइन लगी हुई है। क्यों लाइन लगी हुई है, क्योंकि मशीन एक ही है, जिसको निकालना है पहले लाइन में लगेगा, जब उसका टर्न आएगा तब वो पैसा निकालेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा करने गया तो मुझे तो 5-6 साल लग जाएंगे, हो सकता है 10 साल भी लग जाए। क्लियर है, तो एक एक करके एग्जीक्यूट कराना हमेशा कंसेंसस रिक्वायरमेंट देता है, लेकिन एक एक करके एग्जीक्यूट कराने में तो टाइम बहुत लग जाएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन अलाउ करना है। कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन कैसे अलाउ करेंगे, हम क्या करेंगे, हर शहर में हर गली में एक एक क्या करेंगे, ATM मशीन दे देंगे, जहां जहां बैंक है वहां वहां हम क्या करेंगे कि ATM मशीन देंगे। ठीक है, कि आप क्या कीजिए, यहां से आप पैसा निकालिए। क्लियर, तो उसको बोलते हैं हम कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन जहां आया वहां पर मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी क्या हो जाती है, कि कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट जो होती है वो कई बार कंसिस्टेंट मिलेगा, कई बार कंसिस्टेंट नहीं भी मिलेगा। ठीक है, तो उसके लिए थर्ड प्रॉपर्टी बोलता है कि इवन दो मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड कंकरेंटली, मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन एक साथ एग्जीक्यूट कर रहे हैं, द सिस्टम इंश्योर दैट मींस जो सर्वर है वो क्या करेगा, इंश्योर करेगा कि फॉर एवरी पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन PI एंड PJ, मतलब दो ट्रांजेक्शन अगर है, एक T1 है एक T2 है। ठीक है, एवरी पेयर ऑफ ट्रांजेक्शन T1 एंड T2 इट हैपेंस टू PI मींस इट हैपेंस टू T1 दैट T2 फिनिशेस एग्जीक्यूशन, सॉरी T2 PJ फिनिशेस एग्जीक्यूशन बिफोर PI स्टार्ट, मतलब ये पहले फिनिश हो जाए
इसके स्टार्ट होने के पहले या तो फिर ये स्टार्ट हो इसके फिनिश होने के बाद. क्लियर है? दैट मींस यहां पर टीआई होना चाहिए. ठीक है, टीजे स्टार्ट कंडीशन बिफोर और आफ्टर टीआई फिनिश. मतलब पहले या तो T1 एग्जीक्यूट हो जाए फिर T2 एग्जीक्यूट हो जाए, या तो फिर पहले T2 एग्जीक्यूट हो जाए फिर T1 एग्जीक्यूट हो जाए. ठीक है, ये क्या कर रहा है? ये हमें कौन इंश्योर करके दे रहा है? ये हमें सिस्टम इंश्योर कर रहा है. मतलब कॉन्करेंसी कंट्रोल कंपोनेंट ये मुझे क्या कर रहा है? इंश्योर करके दे रहा है कि हम एग्जीक्यूट तो कॉन्करेंटली कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन उसका इफेक्ट क्या आ रहा है? उसका इफेक्ट मेरा क्या आ रहा है? सीरियल शेड्यूल आ रहा है. मतलब एक के बाद एक करके ही मैं क्या कर रहा हूँ? ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. ठीक है, अगर एक के बाद एक मैं ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट करूंगा तो मेरा कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट पहले बोल चुका है कि एक एक करके अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे तो हमेशा आपका क्या करेगा? वो कंसिस्टेंट बने रहे. ठीक है, अदरवाइज आपकी कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट जो है वो क्या हो सकती है? मेंटेन नहीं भी हो सकती है. ठीक है, अब जनरली देखा गया है कि हम जो कंकरेंट एग्जीक्यूशन करते हैं हम क्या करते हैं? अपने अपने डेटाबेस में वर्क करते हैं. ठीक है, मतलब T1 एक ट्रांजेक्शन है जो A और B में वर्क कर रहा है. हो सकता है T2 जो है वो C और D में वर्क करे, मतलब वो C से D में ट्रांसफर करेगा. तो दोनों ट्रांजेक्शन जो है वो क्या है? इंडिपेंडेंट ट्रांजेक्शन है. ठीक है, हो सकता है कि मैं सिर्फ पैसा निकाल के चले जाऊं, ट्रांसफर करूं ही ना. मैं अपने अकाउंट का एग्जीक्यूट कर रहा हूं, दूसरा दूसरे अकाउंट अपने अकाउंट का एग्जीक्यूट कर रहा है, तीसरा भी अपने अकाउंट का एग्जीक्यूट कर रहा है. तो मैं A में वर्क कर रहा हूं, दूसरा B में वर्क कर रहा है, तीसरा C में वर्क कर रहा है. ठीक है, तो सब अपने अपने डेटा आइटम में वर्क कर रहे हैं, तो किसी में भी कोई रीड राइट कंफ्लिक्ट या राइट राइट कंफ्लिक्ट नहीं आएगा. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा हमेशा वो एग्जीक्यूशन जो रहेगा वो जो कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन है वो क्या रहेगा? मेरा हमेशा हमेशा कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा. ठीक है, ये तभी होगा कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट की तकलीफ जब मेरे डेटा आइटम्स जो है वो सेम हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे A से B में ट्रांसफर हो रहा है और यहाँ पे B से C में ट्रांसफर हो रहा है. एक जो डेटा आइटम है B वो दोनों में क्या है? कॉमन है. ठीक है, B जो है वो दोनों में कॉमन है. हो सकता है कि यहाँ पे A से B का वर्क हो, यहाँ B में A में वर्क हो. ठीक है, तब क्या होगा? तब ये मेरे को सीरियली ही एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तब मैं कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता. क्योंकि अगर मैं कॉन्करेंट एग्जीक्यूशन करूंगा तो मेरा क्या होगा? इनकंसिस्टेंसी आ सकती है, कंसिस्टेंसी के कारण मेरी मेंटेन नहीं भी हो सकती. ठीक है, नेक्स्ट is the last property which is known as durability, which is also known as persistency. So durability property tells that durability property ensures that the changes in the database should persist even there are system failures. The changes in the database should persist even there are system failures. ठीक है, that means मैं एक transaction execute कर रहा हूँ. Transaction है मेरा T1 which transfer 100 rupees from account A to account B. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? या तो मैं पहले read of A लिखूँ, फिर A is equal to A minus 100, फिर write लिखूँ, फिर read B करूँ, इसमें plus करूँ और फिर write करूँ. या तो मैं क्या करूँ? मैं पहले B को read करूँ, B में plus करूँ, फिर write करूँ, फिर A में मैं क्या करूँ? Read करूँ, A में minus करूँ और फिर मैं क्या करूँ? Write करूँ. ये दो possibility है मेरे पास. ठीक है, अब suppose करो कि यहाँ पर अगर मैं तीन ऑपरेशन एग्जीक्यूट कर चुका हूँ, रीड परफॉर्म कर चुका हूँ, फिर लोकल बफर की वैल्यूज चेंज कर चुका हूँ और फिर मैं राइट परफॉर्म कर रहा हूँ. तो राइट परफॉर्म किया तो बफर की वैल्यू डेटाबेस में चले गई. जाने के बाद जब मैं रीड परफॉर्म कर रहा था मेरा यहाँ पे क्या हो गया? फेलर ऑफर हो गया. तो जब फेलर ऑफर होगा तो ए की वैल्यू क्या हो गई? ए की वैल्यू हो गई 900 और बी की वैल्यू क्या हो गई? बी की वैल्यू है 2000. तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 900. तो ये मेरा इनकंसिस्टेंट हो गया क्योंकि यहाँ पे मुझे 3000 मिल रहा है, यहाँ पे मुझे 2900 मिल रहा है. मतलब मेरा ट्रांजेक्शन जो है वो कम्प्लीटली एग्जीक्यूट नहीं हुआ. पीछे मेरा क्या हो गया? फेलर ऑफर. अगर फेलर ऑफर हुआ तो यहाँ पे मुझे नुकसान किसका हुआ? यहाँ पे कस्टमर का ही नुकसान हुआ क्योंकि बैंक में पहले 3000 था, 2900 हो गया, कस्टमर का लॉस हो गया. ठीक है, दूसरा पॉसिबिलिटी देखते हैं.
कि रीड ऑफ बी बी इक्वल टू बी प्लस 100 राइट ऑफ बी, ठीक है, उसके बाद मेरा क्या हो जाएगा फेलियर ऑफर हो जाएगा। जब फेलियर ऑफर हो रहा है तो वैल्यू ऑफ ए क्या हो रही है, वैल्यू ऑफ ए इज 1000, वैल्यू ऑफ बी इज 2100, तो वैल्यू ऑफ ए प्लस बी इज 3100, ठीक है। इस केस में बैंक को नुकसान हो गया क्योंकि ट्रांजेक्शन कंप्लीटली एक्सिक्यूट हुआ नहीं, बीच में फेलियर ऑफर हो गया तो बैंक को नुकसान हो गया, ठीक है। अब बैंक को नुकसान हो गया यहाँ पर, यहाँ पर कलर कस्टमर को नुकसान हो गया, दोनों केस में मेरा क्या है ट्रांजेक्शन इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो ये एटोमिसिटी प्रॉपर्टी भी फॉलो नहीं कर पा रहा है क्योंकि ट्रांजेक्शन होता है कि पूरे के पूरे ऑपरेशन होना चाहिए, यहाँ पर एक भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन ही है, आपका फेलियर ऑफर हो गया, ठीक है। तो ये आपको बोल रहा है कि द चेंजेस इन द डेटाबेस शुड परसिस्ट इवन देयर आर सिस्टम फेलियर्स, ठीक है। तो अब ये परसिस्ट कैसे कराना है, इसको परसिस्ट कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा कि जितने भी राइट ऑपरेशन है, ठीक है, जितने भी राइट ऑपरेशन है इससे रिलेटेड मैं क्या करूंगा अपडेट लॉक बनाऊंगा, ठीक है। अपडेट लॉक को मैं क्या करूंगा सेकेंडरी मेमोरी में क्या करूंगा स्टोर करूंगा, ये ट्रांजेक्शन तो मेरा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है, जैसे ही मैं कोई राइट परफॉर्म कर रहा हूँ तो इससे रिलेटेड मैं ओल्ड वैल्यू न्यू वैल्यू में क्या करूंगा अपडेट लॉक बना के सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दूंगा। और जैसे ही मेरा क्या होगा ट्रांजेक्शन फेलियर ऑफर होता है तो क्या करेगा ये सिस्टम रिस्टार्ट होता है, रिस्टार्ट होने के बाद क्या करता है लॉक को देखता है, अगर लॉक में क्या है कि मेरे पास इसकी ओल्ड वैल्यू है तो मैं क्या करूंगा इसकी ओल्ड वैल्यू से मैं क्या करूंगा चेंजेस कर दूंगा, रोल बैक कर दूंगा ट्रांजेक्शन को, क्योंकि मेरा ट्रांजेक्शन इनकम्प्लीटली एक्सिक्यूट हुआ है तो मुझे उसको रोल बैक करना पड़ेगा ताकि मैं क्या करूं कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकूं। तो मैं रोल बैक कर दूंगा तो एक वैल्यू क्या हो जाएगा 900 से 1000 हो जाएगा, यहाँ पर भी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2100 से 2000 हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे डेटाबेस में अपडेट लॉक मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इवेंट है जो अपडेट लॉक है ये कौन मेंटेन करता है, ये मेंटेन करता है रिकवरी मैनेजर, ठीक है। जो डेटाबेस का रिकवरी मैनेजर कंपोनेंट है वो क्या करता है इनके अपडेट लॉक मेंटेन करता है, अगर फेलियर ऑफर होता है तो अपडेट लॉक को देख के क्या करता है वो मेंटेन करता है आपके रोल बैक प्रॉपर्टी करने के लिए, तो अपडेट में जो ओल्ड वैल्यू है उस ओल्ड वैल्यू से क्या करता है उसको वो मेंटेन करता है, ठीक है। अब ये जो प्रॉपर्टी को है, प्रॉपर्टी क्या होता है चेंजेस इन द डेटाबेस शुड परसिस्ट, परसिस्ट का मतलब ये होता है कि मैंने अगर चेंज किया तो परसिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये परसिस्ट कब करेगा, अगर मेरे पास सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है, सपोज करो मेरे पास 10 ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब 10 ट्रांजेक्शन में क्या हो गया कि पहला ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, दूसरा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है, तीसरा एग्जीक्यूट हो चुका है, चौथा एग्जीक्यूट हो चुका है, पांचवा एग्जीक्यूट हो चुका है, जब छठवां बंदा ट्रांजेक्शन करने गया तो फेलियर ऑफर हो गया, ठीक है। वो क्या करेगा अपडेट लॉक में जाएगा, अपडेट लॉक में जो छठवां ट्रांजेक्शन कर रहा था वो छठवे को क्या करेगा रोल बैक करेगा, और बाकी जो 5 ट्रांजेक्शन है उनको क्या करेगा फिर से एग्जीक्यूट करेगा, क्यों, क्योंकि दे आर कंप्लीट ट्रांजेक्शन, कंप्लीट ट्रांजेक्शन के लिए उसको लगाना पड़ेगा फिर से पूरा वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए न्यू वैल्यूज, ठीक है। तो जो न्यू वैल्यूज है उसमें क्या करेगा फिर से वो परफॉर्म करेगा, क्लियर। तो ये हो गया हमारा परसिस्टेंसी प्रॉपर्टी, अगर फेलियर ऑफर होता है तो जो कंप्लीटेड ट्रांजेक्शन है उसको मैं क्या करूंगा परसिस्ट करूंगा, जो इनकम्प्लीट ट्रांजेक्शन है उनको मैं क्या करूंगा रोल बैक करूंगा, क्लियर है। सो दिस इज एसिड प्रॉपर्टी ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये एग्जाम में आता है, किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। और ये टॉपिक जो है ऑलमोस्ट ऑल पेपर्स में पूछा गया है, अगर आप फोर्थ यूनिट की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो है वो यही है कि एसिड प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजेक्शन, ये आपको पूछेगा ही पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। सर ये चारों जो प्रॉपर्टीज हैं सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है ये कौन देखता है सर, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अलग आइसोलेशन को इंश्योर करना कॉन्करेंसी कंट्रोल मैनेजर की प्रॉपर्टी है, क्लियर है।
और कंसिस्टेंसी मेंटेन कराना एप्लीकेशन प्रोग्रामर की प्रॉपर्टी है, एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी जो है ट्रांजेक्शन मैनेजर की, ट्रांजेक्शन मैनेजमेंट कंपोनेंट की प्रॉपर्टी है। ये कंसिस्टेंसी रिक्वायरमेंट जो है वो प्रोग्रामर की प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि उसको ऐसे प्रोटोकॉल डिजाइन करने पड़ेंगे जिसमें वो सीरियली ही एग्जीक्यूट हो। क्लियर है? मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो एप्लीकेशन प्रोग्राम लिखेगा कि आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करें, वो क्या करेगा, ऐसे सिस्टम डिजाइन करेगा जिसमें एक ही यूजर एग्जीक्यूट करे। जैसे एटीएम मशीन में एक ही एटीएम कार्ड से आप करते हैं, जब तक वो एटीएम कार्ड बाहर नहीं निकलेगा दूसरा यूजर जो है उसमें अपना ट्रांजेक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो क्या किया एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम बनाया है कि एक एक करके ही एग्जीक्यूट कीजिए, आप एक साथ दो ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते आप। ठीक है, लेकिन अब दो मशीन अगर है आसपास में, ठीक है, मतलब दो मशीन है या तो आसपास हो सकती है या तो अलग सिटी में हो सकती है, अब अलग सिटी में भी एक साथ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, तो वो इंश्योर करना अब एप्लीकेशन प्रोग्रामर के पास की बात नहीं है। उसके लिए क्या करते हैं, आपको कॉन्करेंसी कंट्रोल कंपोनेंट लगता है। उस कॉन्करेंसी कंट्रोल कंपोनेंट के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सेट ऑफ प्रोटोकॉल डिजाइन करना पड़ता है, जो हम लोग पढ़ेंगे इसी यूनिट में। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ट्रांजेक्शन स्टेट्स। मैंने एक बार और भी पढ़ा दिया ट्रांजेक्शन स्टेट्स। तो ट्रांजेक्शन आर एग्जीक्यूटेड इन वन ऑफ द फाइव स्टेट्स। फर्स्ट वन इज एक्टिव स्टेट, सेकेंड वन इज पार्शियली कमिटेड स्टेट, थर्ड वन इज कमिटेड स्टेट, नेक्स्ट वन इज फेल स्टेट, एंड लास्ट वन इज द एबॉर्टेड स्टेट। So first state is active state. ठीक है, active state means the transaction enters into active state when the first statement of the transaction is executed. ठीक है, अब मेरे पास transaction है read of a, a is equal to a minus 100, write of a, फिर है read of b, b is equal to b minus b plus 100 and then write of b. Clear? ये एक मेरा ट्रांजेक्शन है। तो ट्रांजेक्शन में जैसे ही मैंने पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, ये ट्रांजेक्शन मेरा क्या जाएगा, एक्टिव स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, एंड इट रिमेन्स इन एक्टिव स्टेट टिल द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड। मतलब रीड a इज इक्वल टू a माइनस 100, राइट रीड b is equal to b plus 100 और right, यहां तक क्या हो गया, हमारा ट्रांजेक्शन एक्टिव स्टेट में है। ठीक है, जैसे ही लास्ट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, ट्रांजेक्शन मेरा कहां जाएगा, पार्शियली कंप्लीटेड स्टेट। ठीक है, व्हेन ऑल द स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर एग्जीक्यूटेड, ट्रांजेक्शन एंटर्स इनटू पार्शियली कंप्लीटेड स्टेट। ठीक है, एंड व्हेन कमिट इज परफॉर्म, व्हेन कमिट इज परफॉर्म the transaction enters into partially committed state to committed state, and when committed state, when commit is performed, the transaction enters into committed state. In committed state, all the changes done by transaction, that means write of a, write of b, should be persisted or should be persist in the database. Okay, all the changes done by transaction is reflected in the database. Okay, जब मैं कमिट पढ़ गया हूँ, कमिट तक पहुंच गया हूँ, कमिट तक पहुंचने के बाद क्या हो गया कि मेरे ट्रांजेक्शन में जितने भी उसने अपडेट परफॉर्म किए हैं, वो सारे के सारे अपडेट मेरे किसमें हो गए हैं, वो सारे के सारे अपडेट मेरे ट्रांजेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब आ जाते हैं, ट्रांजेक्शन एंटर्स इनटू एक्टिव स्टेट व्हेन द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ द ट्रांजेक्शन इज एग्जीक्यूटेड। अब सपोज करो पहले स्टेटमेंट के बाद ही मेरा क्या हो गया, फेलियर हो गया, तो ये मेरा एक्टिव स्टेट से कहां जाएगा, फेल स्टेट में आ जाएगा। ठीक है, एक्टिव स्टेट से मेरा ट्रांजेक्शन कहां जाएगा, फेल स्टेट में, और फेल स्टेट होने के बाद एक ही स्टेट कंटिन्यू मेरी होगी एबॉर्टेड। एबॉर्टेड मींस कि पूरे पूरे ट्रांजेक्शन को मुझे क्या करना है, एबॉर्ट कर देना है, कि जो भी चेंजेस मैंने परफॉर्म किया उसको मुझे क्या करना है, रोल बैक कर देना है। ठीक है, जितने भी चेंजेस मैंने परफॉर्म किए हैं उसको मुझे क्या करना है, रोल बैक कर देना है।
ठीक है, तो रोल बैक करने के लिए मुझे ओल्ड वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन मेरा एक्टिव स्टेट से आ गया यहाँ पर पहले स्टेट में। अब ऐसा भी हो सकता है कि मेरा रीड एक्सिक्यूट हो गया, ए इज इक्वल टू ए माइनस 100 एक्सिक्यूट किया, राइट एक्सिक्यूट किया फिर रीड, बी इज इक्वल टू बी प्लस 100 और राइट एक्सिक्यूट हो गया, कमिट करने वाला था मैं, इस कमिट से पहले मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। तो मेरा कहाँ जाएगा ये ट्रांजेक्शन, पहले तो आ जाएगा एक्टिव से पार्शियली कंप्लीट स्टेट में, फिर मैं कमिट परफॉर्म करता तो कमिट हो जाता, कमिट से पहले ही वो क्या हो गया, फेल हो गया, फेलर ऑफर हो गया। फेलर ऑफर होने के बाद क्या हो गया, ये फेल स्टेट में आ गया। फेल स्टेट होने के बाद सिर्फ एक ही स्टेट बचती है, होती है एबॉर्टेड स्टेट, मतलब जितने भी चेंजेस मैंने किए हैं सब पे सब मुझे क्या करना है, एबॉर्ट कर देना है, अंडू कर देना है या रोल बैक कर देना है, क्लियर है। सो ट्रांजेक्शन इज सेट टू बी टर्मिनेटेड, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरव्यू, ट्रांजेक्शन इज सेट टू बी टर्मिनेटेड इफ आइदर इट इज कमिटेड और इट इज एबॉर्टेड। दो फाइनल स्टेट है मेरे ट्रांजिशन डायग्राम में, एक है कमिटेड स्टेट, एक है मेरी अबॉर्टेड स्टेट, ठीक है। तो टर्मिनेटेड कब होगा ट्रांजिशन मेरा, टर्मिनेटेड कब होगा, जब या तो वो कमिट हो जाए या तो वो मेरा क्या हो जाए, अबॉर्ट हो जाए। दैट मीन्स अगर मैं कमिट के बाद रोल बैक लिखता हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं है, या तो अगर मैं पहले रोल बैक लिखता हूँ और उसके बाद कमिट लिखता हूँ इसका भी कोई मतलब नहीं है। ये मेरा कमिट मैंने कर दिया मतलब सारे के सारे चेंजेस मेरे डेटाबेस में परसिस्ट हो गए, अब मैं रोल बैक करूंगा तो कोई भी चेंजेस मेरे अंडू नहीं होंगे क्योंकि वो दूसरा ट्रांजेक्शन चालू हो गया है, उसको क्या करेगा वो रोल बैक करेगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने ट्रांजेक्शन के ऑपरेशन परफॉर्म किए, मैंने रोल बैक कर दिया, रोल बैक कर दिया मतलब मैंने पर्पस से क्या कर दिया, एबॉर्ट कर दिया, ठीक है। एबॉर्ट करने से क्या होगा, जितने भी चेंजेस मैंने किए हैं उसको मैंने रोल बैक कर दिया है, रोल बैक करने के बाद अब मैं कमिट लिख रहा हूँ तो ये दूसरा ट्रांजेक्शन मेरा कमिट हो रहा है, पहला ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ पे टर्मिनेट हो चुका है, ठीक है। सो ट्रांजेक्शन इज सेट टू बी टर्मिनेटेड इफ आइदर इट इज कमिटेड और इट इज अबॉर्टेड, क्लियर है। सो दिस इज द स्टेट डायग्राम और स्टेट डायग्राम ऑफ द ट्रांजेक्शन, ये भी एग्जाम में पूछता है। इसका ही मैंने फोटो डाल दिया आप लोगों को, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज शैडो कॉपी स्कीम, शैडो कॉपी स्कीम to ensure atomicity property, atomicity and consistency property. Shadow copy scheme to ensure atomicity and consistency property of the transaction. ठीक है, अब इसके लिए क्या assume कर रहे हैं हम कि जो भी transaction हम perform कर रहे हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन हम परफॉर्म कर रहे हैं कुछ सेट ऑफ डेटा आइटम्स में, ए बी सी डी कुछ सेट ऑफ डेटा आइटम्स है हमारे पास, उनमें हम क्या कर रहे हैं ट्रांजेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन जो परफॉर्म कर रहे हैं जो सेट ऑफ डेटा आइटम्स हैं, वो डेटा आइटम हम एज्यूम कर रहे हैं कि किसी न किसी डिस्क स्टोरेज में सेव है, तो ये मेरा डेटाबेस है, ठीक है, इस डिस्क स्टोरेज में मेरा क्या डेटाबेस स्टोर है और इस डेटाबेस में मेरे क्या है वो सेट ऑफ डेटा आइटम्स है ए बी सी डी, ठीक है। इन एबीसीडी को पॉइंट करने के लिए मेरे पास क्या है, एक डेटाबेस पॉइंटर है, दिस इज डीबी पॉइंटर, और यू कैन से इट इज एन डेटाबेस पॉइंटर विच पॉइंट्स टू द डेटा आइटम्स इन द डेटाबेस, ठीक है। तो जो भी डेटा आइटम्स हैं वो मेरे डेटाबेस में हैं, परमानेंटली डिस्क स्टोरेज में स्टोर्ड हैं और उनको पॉइंट कर रहा है डेटाबेस पॉइंटर, ठीक है। तो जो भी मुझे एक्सेस करना है मैं क्या करूंगा, इस डेटाबेस पॉइंटर से एक्सेस करूंगा कि रीड ऑफ ए, रीड ऑफ बी, रीड ऑफ सी, या तो मुझे कुछ भी राइट परफॉर्म करना है तो भी मैं इस डेटाबेस पॉइंटर से ही क्या करूंगा, उसको मैं राइट करूंगा, ठीक है। तो अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ट्रांजेक्शन मेरे एक के बाद एक एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मतलब सीरियली एग्जीक्यूट हो रहे हैं, तो ये मेरी क्या हो गई, ओल्ड कॉपी ऑफ डेटाबेस है, इसको क्या कर रहा है ये डीबी पॉइंटर क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है।
ठीक है। तो अगर मैं मुझे ट्रांजेक्शन परफॉर्म करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर्टिकुलर डेटाबेस की एक कॉपी बना रहा हूँ, उसको हम बोलते हैं न्यू कॉपी ऑफ डेटा, और जिसको हम बोलते हैं इसकी एक शेडो कॉपी बना रहा हूँ। ठीक है, तब जो डेटाबेस में मेरे कंटेंट्स हैं, जो डिस्क स्टोरेज मेरा स्टोर है, उसका मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉपी बना रहा हूँ। और कॉपी बनाने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जितने भी चेंजेस मुझे करने हैं, मुझे रीड करना है तो मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ ओल्ड कॉपी से। ठीक है, जब मुझे ट्रांजेक्शन में कोई भी राइट परफॉर्म करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट परफॉर्म कर रहा हूँ मैं न्यू कॉपी। ठीक है, मैंने रीड ऑफ ए लिखा, ए इक्वल टू समथिंग लिखा, फिर राइट ऑफ ए किया, जैसे मैं राइट ऑफ ए कर रहा हूँ ये डेटाबेस कंट्रोल में क्या कर रहा है, न्यू कॉपी मेरा क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है, इसी में राइट कर रहा है, इसमें मैं राइट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें राइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब रिकवरी कैसे मेंटेन होगी या एटॉमिसिटी एंड कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी कैसे मेंटेन होगी, अगर मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अगर मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया और कमिट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, डेटाबेस फाइंड को इसी को फाइंड कराने दूंगा, ये कॉपी मेरी क्या हो जाएगी, गार्बेज कलेक्टेड हो जाएगी, इसको मैं क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा। ठीक है, ओल्ड कॉपी को मैं क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा, ये पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब इसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है, मतलब ये गार्बेज कलेक्शन हो गया, ये मेरा क्या हो गया, रिलीज हो गया। ठीक है, और ये मेरी क्या हो गई, न्यू कॉपी ऑफ द डेटाबेस, मेरी परसिस्टेंट कॉपी है, तो मेरी एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी भी रहेगी कि सारे ऑपरेशन परफॉर्म हो गए मेरे, और कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी भी मेंटेन रहेगी कि मेरा ट्रांजेक्शन मेरा क्या है, कंसिस्टेंट रहेगा। सॉरी, यहां पे आया आपने लिखा था ड्यूरेबिलिटी। शैडो कॉपी में एटॉमिसिटी एंड ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी इंश्योर करते हैं, यहां मेरा ड्यूरेबल भी रह गया। ठीक है, कि कहीं पे कोई फेलियर नहीं आया, तो मेरा क्या होगा, ये न्यू कॉपी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब सपोज करते हैं, सेकंड केस, में क्या हो गया कि मेरा ये ओल्ड कॉपी है, ओल्ड कॉपी ऑफ डेटाबेस है, मैंने कुछ चेंजेस परफॉर्म किए तो मेरे क्या हो गए, न्यू कॉपी में हो गए। ठीक है, और मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ कमिट। ठीक है, तो कमिट परफॉर्म करने से पहले मेरा क्या हो गया, फेल हो गया। फेल हो गया तो मेरा पार्शियली कम्प्लीटेड स्टेट से भी मेरा फेल हो सकता है, हो सकता है कि एक्चुअल स्टेट में पार्शियली कम्प्लीटेड स्टेट जाने से पहले ही कुछ ऑपरेशन बचे थे और मेरा फेलियर ऑकर हो गया, तो मेरा क्या हो जाएगा, एक्टिव स्टेट से मेरा क्या हो जाएगा, फेल्ड स्टेट में आ जाएगा। जहां भी फेलियर ऑकर हुआ तब क्या करूंगा, मैं न्यू कॉपी को मैं क्या कर दूंगा, रिलीज कर दूंगा, डेटाबेस पॉइंटर मेरा क्या कर रहा है, ओल्ड कॉपी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, डेटाबेस पॉइंटर अभी मेरा ओल्ड कॉपी को पॉइंट कर रहा है, तो ए और ए बी सी डी जो भी डेटा आइटम्स है उनकी वैल्यू क्या रहेगी, मेरी ओल्ड ही रहेगी, मतलब मेरे एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुए। ठीक है, जो भी परफॉर्म हुआ मेरा, मैंने न्यू कॉपी में किया था, न्यू कॉपी को मैं क्या करूंगा, डिलीट कर दूंगा, या मैं उसको क्या करूंगा, रिलीज कर दूंगा, पॉइंटर मेरा इसको पॉइंट कर रहा है, ये मेरा क्या हो गया, गार्बेज कलेक्टेड हो गया। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, गार्बेज कलेक्शन हो गया, जिसको मैं बाद में क्या करता हूँ, फ्री पूल में डाल सकता हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया, मेरा कंसिस्टेंट कॉपी रहेगी। ठीक है, तो ये मेरा एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी इंश्योर कर रहा है कि अगर सारे ऑपरेशन परफॉर्म हुए तो मेरा ये एग्जीक्यूट होगा, मतलब ये कॉपी मेरी क्या हो जाएगी, करेंट कॉपी हो जाएगी, और ये मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा। और एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर एक भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करने में, तो मैं क्या कर रहा हूँ, फेलियर ऑफर हुआ तो मैं ओल्ड कॉपी में आ रहा हूँ, ओल्ड कॉपी में आ रहा हूँ, मतलब एक भी ऑपरेशन परफॉर्म मेरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी प्रॉपर्टी भी इंश्योर हो गई, और ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर सिस्टम फेलियर होते हैं तो मेरा क्या होना चाहिए, मेरा होना चाहिए न्यू कॉपी, सॉरी सिस्टम फेलियर होते हैं तो मैं क्या कर रहा है कि मुझे परसिस्ट कराने हैं जो ट्रांजेक्शन मेरे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं जब जब राइट कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, उसकी न्यू कॉपी बना रहा हूँ, उसमें राइट कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है, तो जब जब मैं राइट कर रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, न्यू कॉपी में कर रहा हूँ। ठीक है, ट्रांजेक्शन मेरा कंप्लीट हो गया, कमिट हो गया, तो मैं इसको रिलीज कर दिया, ये मेरी क्या हो गई, ओरिजिनल कॉपी हो गई। फिर दूसरा ट्रांजेक्शन आया, दूसरे ट्रांजेक्शन में क्या कर रहा हूँ, फिर से रीड परफॉर्म कर रहा हूँ, जब मैं राइट कर रहा हूँ तो इसकी फिर से एक कॉपी बना रहा हूँ, फिर से क्या कर रहा है, डेटाबेस पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है, और अगर वो कम्प्लीटली हो गया तो इसको पॉइंट करेगा, ये मैं फिर से क्या हो जाएगा, रिलीज कर दूंगा। ठीक है, और अगर फेलियर ऑफर हुआ तो मैं न्यू कॉपी को मैं क्या करूंगा, छोड़ दूंगा, ये मेरी क्या हो जाएगी, ओरिजिनल कॉपी हो जाएगी। ठीक है, तो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी भी मेरी इंश्योर हो गई, और मेरी जो कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी वो भी मेरी क्या हो गई, इंश्योर हो गई। ठीक है, सो दिस इज नोन एज शैडो कॉपी स्कीम। मैं क्या कर रहा हूँ, इसकी एक शैडो कॉपी बना रहा हूँ, इसकी डेटाबेस की एक कॉपी बना रहा हूँ,
अगर चेंजेस परसेस कराने हैं, कमिट हो गया है, पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहा है, इसको छोड़ दे रहा है, ये छोड़ दे रहा है, मतलब ये गार्बेज कलेक्शन हो गया, और अगर फेलियर हो गया तो न्यू कॉपी को मैं छोड़ दे रहा हूं, ये अभी भी ओल्ड कॉपी को पॉइंट कर रहा है। क्लियर है? सो दिस इज नोन एज शेडो कॉपी स्कीम। यहां तक किसी को डाउट? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट?